भारतीय समाज में शादी के बाद तो क्या, शादी के पहले भी मास्टरबेशन को सहज नहीं माना जाता। यह मानसिकता यही है कि मास्टरबेशन करना किसी पाप या घिनौने काम से कम नहीं है, जबकि विशेषज्ञ कहते हैं कि हस्तमैथुन एक हेल्दी प्रक्रिया है, बशर्ते उसकी अति ना हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शादी के बाद भी मास्टरबेट करते हैं, लेकिन वो खुलकर किसी को ये बात कहते नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद भी यही लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ वो ये सब गलत कर रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? आज इस वीडियो में इसी बारे में मैं बात करने वाली हूँ। चलिए जानते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या शादी के बाद मास्टरबेशन करना गलत होता है या फिर ये सही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी गुड लाइफ काउंसलर एंड थेरेपिस्ट उज्ज्वला। मास्टरबेशन को लेकर अमेरिकन फिल्म मेकर वुडी एलन के कुछ कॉट्स और बातें मशहूर हैं जिन्होंने मास्टरबेशन को सेल्फ लव से जोड़ा है। जी हाँ, वो कहते हैं कि मास्टरबेशन आखिर क्यों छोड़े, सेक्स उसी के साथ किया जाता है जिससे आप प्यार करते हैं, तो ऐसे में क्या शादी के बाद आप खुद से प्यार नहीं करते या फिर प्यार करना बंद कर देते हैं? अगर नहीं तो मास्टरबेशन आखिर क्यों छोड़ना? मास्टरबेशन आपको अपने शरीर और सेक्सुअल जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जी हाँ, शादी के बाद मास्टरबेशन करने से ये मतलब नहीं होता कि आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं या फिर आपकी सेक्स लाइफ सही नहीं है, और ना ही शादी के बाद मास्टरबेशन से आपके सेक्स लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपकी सेक्स लाइफ ज्यादा एक्टिव और हेल्दी है। इसके साथ साथ ये भी दर्शाता है कि आप सेक्सुअली हेल्दी हैं। दरअसल ये डाउट्स भी हमारे मन में आ जाते हैं। महिलाएं शुरू शुरू में सेक्स में सहज नहीं हो पाती और ना ही वो ऑर्गेज्म प्राप्त कर पाती हैं। ऐसे में मास्टरबेशन उन्हें तनाव से छुटकारा दिलाता है और साथ ही वो अपने अंदर से रिलैक्स भी फील करती है, और आप भी पकड़ते हैं अगर आप मास्टरबेट करते हैं। मास्टरबेशन से आप अपने शरीर को प्लेजर पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि आप खुद के सेंसिटिव पॉइंट्स पर गौर करते हैं, जिससे आप सेक्स के दौरान अपने पार्टनर को ये बता सकते हैं कि आपको क्या ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, कौन से पार्ट को छूने से आप ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस करते हैं। तो ये भी मास्टरबेट का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर पार्टनर आपसे दूर है और मास्टरबेशन से आप खुद को सेटिस्फाई करते हैं तो एक बेहतरीन तरीका है, ताकि आप किसी गलत रिश्ते में या फिर अवैध संबंधों की गिरफ्त में ना आए, जो आपकी रिलेशनशिप को भी बचाकर रखता है। इसके साथ ही बहुत से कपल तो सीधे सेक्स ना करके भी एक दूसरे को मास्टरबेशन के जरिए ही संतुष्ट करने से ज्यादा आनंद महसूस करवाते हैं। कुछ देश में तो ऐसे युवाओं को नियमित रूप से मास्टरबेशन के लिए एकजुट करते हैं, ताकि युवा गलत रास्तों पर ना भटके, वो खुद को समझ सके आखिर उनकी बॉडी की नीड्स क्या हैं। दरअसल मास्टरबेशन से आप अकेले में जब आप खुद के साथ प्यार करते हैं, खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो इससे आपके सेक्स की तीव्र इच्छा भी पूरी हो जाती है और एक संतुष्टि का आभास आपको होता है। एक्सपर्ट्स और हम भी यही सलाह देते हैं कि मास्टरबेशन को शादी के बाद करना गलत नहीं है, बल्कि ये हेल्दी मानते हैं। मास्टरबेशन आपके सेक्स लाइफ को बेहतर बनाता है, क्योंकि आपको अपने शरीर और उन जरूरतों को अब बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, और यही जानकारी आपके लिए और आपके सेक्स अनुभव की दिशा में काम आती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और समाज की ये सोच फिलहाल अभी तक तो विकसित नहीं हुई है, और खासतौर से लड़कियों के मास्टरबेशन को तो लेकर संकुचित सोच भी अभी है, लेकिन पार्टनर्स को चाहिए कि वो इन बातों से ऊपर उठ सके और सहज चीजों को स्वाभाविक रूप से ही सहज माने। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सेक्स मास्टरबेशन दोनों ही अलग हैं। बेहतर होगा कि आप अपने पति पत्नी जो भी आप हैं, कपल्स हैं, अपने इस विषय पर खुलकर बात करें, क्योंकि रोमांस और सेक्स शरीर की जरूरतों की पहचान जो है उसके बीच के अंतर को पहचानने के लिए आप दोनों का कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी अपनी आप लाइफ को सेक्स में एंजॉय कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताना मत भूलिएगा, और अभी सब्सक्राइब करें गुड लाइफ टॉक्स।